यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आपका कल कार्य से बहुत अच्छा शब्द, ठीक है, 1 to 75। ओके, सो आज जो भी करनी है आपका असाइनमेंट, वैसे आपका पहला भी कितनी हुई है, ठीक है, सो होर आपका जिन्ने आज आपका कितने ने या कल जड़े कितने से, सॉरी, वो दे विचो दी 3 4, ठीक है, 3 4 तो नहीं है कि वैसे 10 15 तो है ही है क्वेश्चन, उस तो बाद विच जफरनामा एक आम स्टार्ट करांगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, हेठ लिखिया विचो, असाइनमेंट है बच्चे थोड़ी, हेठ लिखिया विचो डंडे शब्द दे बहुअर्थी नहीं है, हेठ लिखिया विचो डंडे शब्द दे बहुअर्थी नहीं है। डंडी शब्द दे बहु अर्थी नहीं है। ऑप्शंस बोलना, रहा, गहना, सेकेंड, ऑप्शंस लिख रहे हो? ओके, नहीं, पहली ऑप्शन ही है रहा कॉमा गहना, सेकेंड विश्राम चिन्ह, थर्ड सोटी रहा, तिलक ते बूटा, केड़ी आएगी? हां जी, नहीं है चुनना हुण आपा, ए वाली आएगी, ठीक है, तिलक ते बूटा, क्योंकि रा भी है, गहने का नाम भी है, विश्राम चिन्ह भी है, पूरन विराम, सोटी भी है, रा ते दोबारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ने, सेंटेंस है हुन, डॉक्टर ने जद उसका पेट चाक किता, डॉक्टर ने जद उसका पेट चाक किता, चाक की आएगा इथे, चाक किता, अगे सुनो, ता उस विचो पूरा चाक निकलिया, डॉक्टर ने जद उसका पेट चाक किता ते उस विचो पूरा चाक निकलिया, चाक चाक निकलिया, चौक, ठीक है, वाक विच चौक चाक दे केड़े अर्थ ठीक हन। पहला ऑप्शन देखो, अख लगनी या अख दुखनी, नाल ही ने, अख लगनी या अख दुखनी, दूसरा बागी या माझी, लिख भी लो, बाकी सारे बच्चे लिख रहे हैं। नेक्स्ट है अख लगनी अख दुखनी, थर्ड थर्ड ऑप्शन, मैं ना पेयर च बोल रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट सी, सॉरी, अख लगनी अख दुखनी फर्स्ट, सेकेंड वागी या माझी, तीसरा चीरना अब्लीक लिखन वाला चौक, चीरना लिखन वाला चौक, फोर्थ कपड़े दी मोरी, कपड़े दी मोरी या शेक, हुन तुसी एदे विचों दी सही वाला चुनना है, केड़ा होएगा, थर्ड ऑप्शन चीरना ते लिखन वाला चौक, ठीक है। कई बारी ऑप्शन विच एक ऑप्शन सही हो सकती है, एक ऑप्शन गलत हो सकती है, ठीक है, तो तुसी ध्यान ना देखनी है ऑप्शंस नु, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला उस नो ज्यों ही जाग आई, उस नो ज्यों ही जाग आई,
उसने जाग ला दिता। की आएगा ऑप्शंस तो बिना जरा दसो। उसनु ज्यों ही जाग आई उसने जाग ला दिता। ठीक है गुड। पहला जाग उदी नींद खुली जाग गया, फिर जाग लाता दही। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है भाग जागने या होश। भाग जागने, होश फर्स्ट ही है, सेकेंड सुचेत सही, थर्ड नींद खुलनी जम्मण लौना, फोर्थ उठ पैना। थर्ड ऑप्शन नींद खुलनी ते जम्मण लौना, जम्मण दूध नू। हां जी, भाग जागने, होश, सुचेत या सही, थर्ड उद्यमी उठ पैना, फोर्थ नींद खुलनी या जम्मण लौना। सही वाला नींद खुलनी वाला। हो गया। नेक्स्ट, केहड़ा शब्द टिक्की शब्द दे बहु अर्थक वजो नहीं वर्तिया जाता। केहड़ा शब्द टिक्की शब्द दे बहु अर्थक वजो नहीं वर्तिया जाता। केड़ा शब्द टिक्की शब्द दे बहु अर्थ वजो नहीं वरत्या जांदा। ऑप्शंस ने गाची है, सूरज दी टिक्की, निक्की रोटी, टिकना, नहीं टिकना। राइट आंसर टिकना। गाची, सूरज दी टिक्की, निक्की रोटी, टिकना। ओ टिकी है, ए टिकी अदक। डन, टिकना टिकना। केड़ा शब्द चार, केड़ा शब्द चार शब्द दा बहुअर्थी नहीं है। चार पशु चार ने गिनती, ठग जाना, घूमना, ठग जाना है सहज है, क्योंकि उन्हें थानू चार दिता, थानू धोखा दे के चला गया। घूमना, घूमना सही आंसर है जो नहीं है। ठीक है, पशु चार ने बहुअर्थी है, गिनती भी बहुअर्थी है, घूमना भी नहीं है, ठग जाना बहुत ही है। सो नहीं वाला केड़ा है, घूमना। नेक्स्ट, चक नहीं वाला लेना आपा, क्योंकि है वाले तुसी इजीली कर लेंदे हो, जिथे जाके कंफ्यूजन होंदी है वो नहीं वाले च होंदी है। ठीक है, चक शब्द का बहुत ही नहीं है। दंदी, चुकना, चुकना मैं चीज चुक ली है, मैं चीज चक ली। चुक भी बोल देने आप, चक भी बोल देने हैं। इलाका है, इलाका है, चक नंबर। जाना नहीं है, सो राइट आंसर इज जाना।
ओके नेक्स्ट तुसी बेटा दसना है सही बहु अर्थक शब्दा ते निशान लगाने ने तुसी। ठीक है, हुन तुसी सही बहु अर्थक दसने ने सीधा ही अग्गे अग्गे लिख दे जायो। ठीक है, ऑप्शंस लिखन दी बजाए सिक्का, सिक्का ऑप्शंस सुन लो, वक्त ते समा, फर्स्ट सेकंड घड़ी, दसना थर्ड तात या रोब, फोर्थ कोई भी नहीं। क्यों? सिक्का। हां जी गुड, तात ते रोब आएगा, कोई भी नहीं। नहीं क्यों? सिक्का मतलब तात, कॉइन जेड़ा हुंदा है, एक सिक्का मतलब किसी दा रोब चलना, सिक्का ते रोब आएगा एदा। नेक्स्ट घड़ी, कग्गे दे नाल कड़ी ना लिख लियो, कड़ी कग्गे दे नाल, जागना जगराता, सेकंड सोना होश विच आना, थर्ड बेफिकर लापरवाह, फोर्थ वक्त मुड़ मुड़। हुण आपां सही वाले कर रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, वक्त ते मुड़ मुड़, ओ घड़ी मुड़ी मेरे घर आ रहा है। ठीक है, या घड़ी पल का इंतजार कर लो। साहस डन। नेक्स्ट फेरा, ये आपा वैसे कर लिया होया है। ठीक है ना, एदा वैसे हुंदा की है फेरा माधव, फेरा माधव फेरा, बहु अर्थक शब्द कर रहे हैं आपा, तुहानू नहीं पता होएगा। बहु अर्थक शब्द हुंदे की है वो भी नहीं पता होना, की हुंदे हैं? सेम वर्ड हुंदे हैं फिर अलग अलग मतलब। फेरा, हां जी लावा फेरे, ओके नहीं वो फेरे उन्होंने नहीं आप कहेंगे। ओके ऑप्शंस ने कड़ना बर्तन, सेकंड चक्कर कारण, थर्ड कोट मुड़ना, फोर्थ स्कीम तरतीब। चक्कर ते कारण, चक्कर कारण, कारण आप कहने ना कई बारी पता नहीं की चक्कर है, मेरा कोई काम सिद्धा नहीं हो पा रहा, पता नहीं की रीजन है। ठीक है, उन्होंने आप कहने हैं। नेक्स्ट तुसी हुण उन्हां दे अर्थ दसने ने। ठीक है, मतलब थानू एक एदा दी टाइप आ सकती है, हुण जिहड़ी एक तुहानूं सेंटेंस विच कराई, दूसरी उस तरह की टाइप आ सकती है, तीसरी आ सकती है, केड़ा नहीं है, हुण फोर्थ टाइप दे नाल किद्दां आ सकदा है तुहानूं। डंडी दा एक अर्थ है छोटा रस्ता, दूजा अर्थ भी दसो। डंडी दा सोटा, टहनी हार या पारा। सोटा, डंडी सामने लिख लो, सोटा सिक्का दा आपा कर लिया होया, मैं रिपीट नहीं करांगी इहदा। ठीक है, अर्क, अर्क दा एक अर्थ है कुहनी, दूसरा अर्थ दसना तुसी, पुराना पैसा दवाई या गलत। दवाई, अर्क दा दवाई। नेक्स्ट सर, सर सर दा एक अर्थ है फतेह करना, दूसरा अर्थ काम करना, काम होना, काम लेना या कोई भी नहीं। सर, काम करना, काम होना या काम लेना।
होना कि मतलब ओदा है वाला कम सर गया, कम हो गया। नेक्स्ट कंडा, डंडे दे नाल लिखियो कंडा। एक अर्थ है सूल, वो तिखी जी हुंदी छड़ी, ठीक है। दूसरा अर्थ पार, तक्कड़, पानी, आत्मा। पार, तक्कड़, पानी, आत्मा। गुड। तक्कड़, कंडा, तकड़ी, जिते आपा तोलते हैं, ठीक है। खट्टी भी कर लिया, जाग भी कर लिया, चाक भी हो गया। हार, हार दा फुल एक अर्थ है। दूसरा तुसी दसना है गहना, गहना, ओके, ठीक है। किन्ने क्वेश्चंस हो गए? 14 हो गए। पहला भी आपका कितने हुए ने? इन्ने ही, राइट। तो नियर थोड़े अबाउट 32-35 क्वेश्चंस हो गए बहुअर्थक शब्द है, ठीक है। क्लियर है बेटा? बहुअर्थक थानू एने ही आएंगे फिलहाल, जो थोड़ा इस बारी पेपर होना है, ठीक है। उस तो बाद में आपा करते हाँ जफरनामा इकांगी, ठीक। राइटर बारे आपा कल करांगे। पहला अज असी इकांगी का सार और ओदे विच केड़े केड़े पात्र आते हैं वो कर लेने हैं। हाँ जी, जफरनामा इकांगी डॉक्टर हरचरण सिंह दी लिखी हुई है। पहला तुसी मैनू दसो जफरनामा दा मतलब की है? नो, जफरनामा दो शब्दां दे सुमेल तो बनया है, एक जफर प्लस नामा। सो जफर दा मतलब की है? जुल्म। जफर मीन्स जुल्म, ते नामा दा मतलब है पत्तर, पत्तर या चिट्ठी। सो ऐदा दी चिट्ठी जेदे विच जुल्मा दा बयान होवे। केदे जुल्मा दा बयान सी? औरंगजेब दे जुल्मा दा बयान सी, ठीक है। सो चांद, जफरनामा इकांगी दा सार पहला भी सुन चुकी हां। पहला आई थिंक दो बच्चियां ने सुनाया सी, प्रभगु ने, तरशीन ने सुनाया से मैंने पता, और इन्होंने ओ पिछे तुका भी लाइया सी। सो लाइन्स, पोइट्री दी लाइन्स। सो हुण तुसी सुनाओ मैनू, याद करना बच्चे दे विच इन्नी कड़ी गल है? कदी भी मैं थोनों पहले क्या, क्रैमिंग ना करो किसी भी चीज नू लैके। रिवीजन मीन जदों तुहानू पूछा जावे तुसी घट्टो घट 4-5 लाइनां ते बोलन चोगे होवो। पता 4-5 लाइनां भी केरे बारे कहा गया है? थोड़ा बहुत आइडिया होवे। कौन दसेगा? अशीन, प्रभगुन तो इलावा मिस्टी, मिस्टी जफरनामा, हिमांशु, देख लो तुसी कहंदे हो सार हो गया तो तुसी कहंदे हो ना सुना। इधर देखो, सफरनामा इकांगी डॉक्टर हरचरण सिंह दी लिखी हुई है, ठीक है। इस की है, औरंगजेब दे जुल्मा नू बयान किया होया है, क्योंकि औरंगजेब ने किन्ने साल राज किया सी अपनी प्रजा ते? 48 तो 50 साल, ठीक है। उन्हें राज किया ते उन्हें इन्हां सालां दे विच उन्हों लगदा सीगा कि वो बहुत वधिया राजा है, पर वो बहुत वधिया राजा नहीं सी। लोकी उस तो बहुत ज्यादा दुखी सन, ठीक है। ते ओदे ही जुल्मां दे बयान नू श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पत्र राही, जिन्हों आपां की कहने हाँ जफरनामा, वो लिखा ते उन्हों पढ़ के उन्हों एक्चुअल विच पछतावा होया, ठीक है। इकांगी की शुरुआत कित्थों हुंदी है? कि वो अपने शाही महल विच सुत्ता होया। इकांगी मतलब वन एक्ट प्ले, जेदे विच सिर्फ एक ही अंक होवे,
ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਨਿਊ ਹੋਵੇ, ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ? ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ। ਆਵਾਜ਼ ਪਾਤਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੀਆਂ? ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਹਲਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕੱਟੜ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਰੂੜ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਲਈ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਅੰਦਰ? ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ੀਨਤ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ੀਨਤ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ? 30 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ? ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਤ ਖਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਲਾਹਕਾਰ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸਤ ਖਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਤ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੀ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੇ? ਅਸਤ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਤ ਖਾਨ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਜ਼ੀਨਤ ਫੋਰਸ ਥੋੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਨਤ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਅਸਤ ਖਾਨ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੀਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਤ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਅਸਤ ਖਾਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੱਸ, ਪਰ ਫੋਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜ਼ੀਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰਸ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ੀਨਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਦੂਸਰਾ ਖਾਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿ ਅਸਤ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੱਤ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ? ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਾਂਗੜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।